देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर। रायबरेली में केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी ने सलोन तहसील में स्वनिधि योजना के तहत 1518 लोगों को ऋण चेक बांटे हैं। इनमें से 1475 लोगों को 10,000 और 68 लोगों को 20,000 का चेक बांटा गया है। इस दौरान स्मृति ईरानी ने रेहड़ी पटरी दुकानदारों को भी छतरी बांटी। स्मृति ईरानी ने अपने लोकसभा क्षेत्र की रायबरेली जिले में पड़ने वाली सलोन विधानसभा में विशेष ऋण कैंप लगाने का अनुरोध किया है। ऋण पाने वाले लोगों ने सरकार के इस कोशिश की तारीफ की है। साथ स्मृति ईरानी ने निजी विद्यालय का भूमि पूजन भी किया है। क्षमता का संरक्षण, लोकतंत्र का त्यौहार होता है चुनाव। मैं आज जितने भी हमारे दर्शकगण देख रहे हैं, जो विशेषतः छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में हैं, उनसे आग्रह करती हूं कि आप लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, वोट देने जरूर जाएं। थैंक यू। राजधानी लखनऊ में यूपी के कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार ने ऑपरेशन त्रिनेत्र को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार भी मौजूद रहे। पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर घरों में चोरी करने वाले 3 छात्र बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के निवासी नरेंद्र गुप्ता के घर शुक्रवार रात फूड डिलीवरी बॉय बनकर बदमाशों ने घर पर अकेली रह रही छात्रा को पेचकस की नोक पर बंधक बनाकर करीब 24 लाख की लूट की है। वहीं इस घटना का खुलासा करते हुए डीसीपी पूर्व तेज स्वरूप सिंह ने बताया कि मुखबिर की सटीक सूचना पर एयरपोर्ट तिराहे के पास से पुलिस ने तीनों छात्र राकेश कुमार, सरोज सुमित और विनोद सिंह को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से नकदी और जेवरात समेत तकरीबन 40 लाख का माल बरामद कर लिया गया है। दिनांक 10/11/2023 को एक घटना हुई थी अहिरवा में। ये नरेंद्र गुप्ता हैं, जब अपनी पत्नी के साथ और अपनी बड़ी बेटी के साथ अपनी रिश्तेदारी में चले गए थे, उस समय इनकी एक बेटी न्यासा घर पे थी। तो दो लोग डिलीवरी बॉय बन करके आए थे, स्विंगी बैग भी लिए हुए थे। उन्होंने घर में नाक किया, दरवाज़ा खोला बेटी ने, तो कहा ये पिज्ज़ा तुमने मंगाया था। उसने नकारा कि नहीं, मैंने कोई पिज्ज़ा नहीं मंगाया था। तो ये दरवाज़े में धक्का दे करके अंदर घुस गए और घुस करके अंदर से दरवाज़ा बंद करके उसके अंदर जो रखा हुआ था जेवर और नगद रुपया, कुल टोटल जो है करीब टोटल जो नगद को लेकर के 3 पैसा और रुपया लेकर लगभग 40 लाख की लेकर के चले गए थे। इस संदर्भ में थाना चकेरी पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और चूंकि घटना यह त्यौहार के दिन थी और कस्बे से हुई थी, इसलिए चैलेंज के रूप में लिया गया कि दिनांक 10। अब खबर बदायूं से है, जहां पुलिस ने एक अजीब कारनामा कर दिया। उसावा थाना क्षेत्र से चोरी करके भाग रहे गैंग को चोरी के सामान के साथ पकड़ लिया गया। वही मोटरसाइकिल और सामान को जब्त कर लिया गया। जब मामले की शिकायत एसएसपी से की गई तो इस मामले को लेकर थाने में हड़कंप मचा हुआ है। वही थाना प्रभारी अलापुर धनंजय सिंह ने बताया कि पंचायत घर में हुई चोरी के बारे में पुलिस को कोई जानकारी ही नहीं है। कहाँ रहते हो? अच्छा, ये आपकी मोटरसाइकिल जो चोरी थी कहाँ से मिली आपके लिए? म्याऊ से। म्याऊ में कहाँ से? म्याऊ चौकी से। कितने दिन बाद मिल गई चोर? लगभग 4-5 दिन बाद मिल गई है। और चोरी कहाँ से हुई थी? खेत से हुई। अगली खबर अयोध्या से है, जहां पर संत रविदास के घाट पर प्रशासन द्वारा शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। शौचालय के निर्माण कार्य को रुकवाने के लिए स्थानियों ने सपा के पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद से गुहार लगाई है। वही सपा नेता अवधेश प्रसाद का कहना है कि अगर निर्माण कार्य नहीं रुका तो हम अनशन पर बैठेंगे। बता दें कि यह निर्माण संत रविदास के घाट को तोड़कर करवाया जा रहा है, जिससे लोगों में खासी नाराजगी भी अब देखने को मिल रही है। आपको बताते चले कि लोगों में साफ तौर पर अब नाराजगी देखने को मिल रही है। इस दौरान गुस्साए लोगों ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं शिव प्रभाव प्राइम टीवी एक बार फिर से पहुंचे प्रभु श्याम की नगरी अयोध्या। अयोध्या में हमारे साथ में मंत्री जी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे क्या समस्याएं थी, किस बात पे आज आपने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। समस्याएं तो अनेक हैं, बहुत हैं, जिसकी गिनती नहीं, जिनके कारण इस प्रदेश वदेश की जनता तबाह है, बर्बाद है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार
केंद्र और प्रदेश में आहूत हुई तो समस्याओं का अंबार बनता जा रहा है, तो इन्हीं समस्याओं के निराकरण के लिए समस्याओं की बात आप मेरे पहले बात सुनिए। समस्याओं के निराकरण के लिए विधानसभा का सत्र 28 से आहूत होने जा रहा है, उन समस्याओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से राय बात लेकर उनका निर्देश लेकर के समाजवादी पार्टी उठाएगी, तो ये उठाया जाएगा वहाँ। आज मेरे पास जो है ये अयोध्या के 50 लोग मेरे पास आए और श्री संत रविदास वंश उत्थान सेवा समिति के द्वारा एक प्रार्थना पत्र मुझे दिया है जिसमें लिखा हुआ है, ये जिलाधिकारी अयोध्या को संबोधित है, जिसमें लिखा गया है कि संत रविदास जी का घाट यहाँ पे है झुमकी घाट, वहाँ पर बगले में संत रविदास जी का घाट है, पत्थर लगा है, यहाँ पर प्रत्येक साल संत रविदास की जयंती मनाई जाती है, हजारों हजार की संख्या में लोग बैठते हैं, उनके विचारों से प्रेरणा लेते हैं और जिसके संबंध में समय समय पर प्रशासन से उनकी अनुमति रहती है। ये प्रशासन द्वारा अनुमति का पत्र मेरे पास है, मेरे हाथ में है, हर साल का है, ये पूरा है। तो मेरा कहने का मतलब कि ऐसे स्थान पर जहाँ पर संत रविदास जी का घाट हो, उनके नाम हो, जहाँ पर हजारों लोग देश से प्रदेश से जनपद से आते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनके विचारों से उनके की गई बातों पर अमल करते हैं, वहाँ पर शौचालय बनाना किसी भी के द्वारा ये बहुत ही अपमानजनक है, ये गलत है, ये तो एक शरारतपूर्ण काम लगता है। तो इस संबंध में जिलाधिकारी जी से मैं भी जिलाधिकारी से आप मेरी बात सुनिए, किसके द्वारा कराया जा रहा है, मैं जिलाधिकारी से अभी बात करूंगा, कमिश्नर से बात करूंगा और ये पत्र देंगे इन लोगों के साथ और तत्काल मांग करेंगे कि इस तरह का जो निर्माण हो रहा है, बता रहे हैं लोग कि जेसीबी से खुदाया जा रहा है गड्ढा, तो तत्काल रोका जाए और जिस अधिकारी ने इतने पवित्र स्थान पर इस तरह का शौचालय बनवाने का वो किया है, प्रस्ताव किया है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ये हमने यहाँ कहा और इसके लिए सतत पूरा वो करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये काम गलत है, पूर्णतः गलत है और संत जी किसी जाति के लिए नहीं, धर्म के नहीं थे, एक युग के निर्माता थे, एक अच्छा विचार पूरे दुनिया को दिया था, तो सब उनकी पूजा होती है, उनका स्मरण होता है, हजारों लाखों लोग उनसे प्रणाम लेते हैं, तो वहाँ पर शौचालय बन जाएगा तो सारी दुनिया को जहाँ पर वो संदेश देते हैं किस तरह का संदेश जाएगा, तो मुझे उम्मीद है कि काम रुक जाएगा और नहीं रुक जाएगा तो संघर्ष किया जाएगा, सत्ता करेगा किया जाएगा, ठीक है कि नहीं। थैंक यू। खबरों के अपडेट हमारे साथ में जुड़े रहिए, प्राइम टीवी से मैं शक्ति ठाकुर, अयोध्या। नमस्कार। खबर अलीगढ़ से है जहां मौजूदा ग्राम प्रधान के खाली प्लॉट में एक 35 साल के अज्ञात युवक की लाश मिली है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां मौके पर पहुंचे पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस ने इस मामले की सूचना परिवार के लोगों को दे दी है और युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है। दिनांक 16/11/2023 को थाना लोधा क्षेत्र में मूसेपुर रोड के किनारे स्थित प्लाट में एक युवक का शव बरामद हुआ। शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवा दिया गया है। घटना की सत्यता हेतु 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। पीएम रिपोर्ट एवं साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। घटना मेरा बड़ा भाई का चाचाजी का लड़का था और इनकी मौत हुई है यहाँ से चौहाने वाले रोड पे 2 किलोमीटर अंदर जो प्रधान जी हैं उनके प्लॉट में पाई गई है। लगभग कितनी उम्र होगी और क्या नाम है उनका? 33 साल उम्र थी और पंकज कौशिक नाम होगा। खबर
रायबरेली से है, जहां प्रेमिका की बेवफाई से नाराज प्रेमी ने हाथ की नस काट ली है। गंभीर हालत में प्रेमी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गांव के रहने वाले एक लड़के का अपने ही गांव की लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन प्रेमिका की बेवफाई से नाराज होकर प्रेमी ने ब्लेड से अपने दोनों हाथों की नसों को काट लिया। इसके अलावा उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की है, जिसके बाद परिजनों ने नाबालिग प्रेमी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।